गांधीनगर में आयोजित चौथे री इन्वेस्ट 2024 कार्यक्रम में केंद्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 32.45 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जाएगा। प्रहलाद जोशी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी तरुण शर्मा ने। हमारे साथ है री इन्वेस्ट पे बात करने के लिए एमएनआरई मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। सर, सर कैसा रिस्पांस आपको अभी तक दिख रहा है, किस तरीके के लोग अभी तक यहाँ पे आए हैं? बहुत चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, मंत्री तो एनर्जी मंत्री तो बहुत आए हुए हैं और पूरा देश विदेश से भी जो इसमें संबंधित अधिकारी है, मंत्री है, डेलीगेशन आए हुए हैं और कमिटमेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। वो कमिटमेंट के नाते हमारा तो उत्साह तो बहुत बहुत बड़ी मात्रा में वर्धन हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारा 500 गीगावाट का लक्ष्य है उससे ज़्यादा हमारा हो जाएगा, उसका पार करके हम आगे बढ़ेंगे। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि 32 लाख करोड़ के आसपास की आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो क्या इस समिट से हम उम्मीद करेंगे इतनी शपथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंगे? हमको अभी शपथ पत्र सभी राज्यों दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकर्स हैव ऑल्सो वो भी अभी अपने कमिटमेंट जो पत्र है वो भी दे रहे हैं।